ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंस योगानंदा। दोस्तों इस किताब की थीम है द लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ परमहंस योगानंदा। यह बुक परमहंस योगानंदा की रिमार्केबल लाइफ लॉन्ग आध्यात्मिक यात्रा की कहानी बताती है, जिन्हें योगा को वेस्टर्न एरियाज में लाने के उनके एफर्ट्स के लिए होल स्केल पर क्रेडिट दिया जाता है। आज तक इसे सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल टेक्स्ट के रूप में माना जाता है। दोस्तों इस किताब के ऑथर खुद परमहंस योगानंदा हैं, जो एक भारतीय योगी और गुरु थे, जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन योगोदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के थ्रू लाखों भारतीय और वेस्टर्न लोगों को योग और क्रिया योग सिखाया है। श्री परमहंस योगानंदा की संक्षिप्त जीवनी को जाने। दोस्तों परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को भारत के गोरखपुर शहर के एक धार्मिक और संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम मुकुंदलाल घोष था। उनके इनिशियल सालों में उनके आसपास के लोगों के लिए क्लियर हो गया था कि उनकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस और एक्सपीरियंस की गहराई सामान्य इंसान से अत्यधिक ज्यादा थी। अपनी युवा अवस्था में उन्होंने अपने स्पिरिचुअल टीचर की तलाश में भारत के कई ऋषियों और संतों के बारे में जानकारी बटोरी। वो एक ऐसे मेंटर को चाहते थे जो उनकी स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा को शांत करने में उनकी मदद कर सके। 1910 में 17 साल की उम्र में वह पूज्य स्वामी जी श्री युक्तेश्वर गिरी से मिले और उनके शिष्य बन गए। योग के इस महान गुरु की देखरेख में उन्होंने अगले 10 वर्षों तक सख्त लेकिन लविंग स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को प्राप्त करते हुए बिताया। योगानंदा के अनुसार उनकी श्री युक्तेश्वर जी के साथ गुरु शिष्य रिलेशनशिप कई जीवन पहले से ही शुरू हो गई थी। योगानंदा की अपने गुरु के प्रति डिवोशन समय के साथ और मजबूत होती चली गई। कई बार वे श्री युक्तेश्वर के आश्रम में रुकते थे और उनके जीवन की कहानियों को सुनकर प्रसन्न होते थे। युक्तेश्वर ने उन्हें क्रिया योग करने के लिए गाइड किया, कुछ ऐसा जो उन्होंने 2 बार पहले भी एक्सपीरियंस किया था, लेकिन जब उन्होंने इसे अपने गुरु की गाइडेंस पे किया तो उन्हें एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का अनुभव हुआ। दोस्तों योगानंदा के कॉलेज के पास बसे श्री युक्तेश्वर के आश्रम में समय बिताने के दौरान योगानंदा कभी कभी अपने डेली रूटीन के उन कामों को करने में स्ट्रगल करते थे जो जरूरी होते थे। वे मेडिटेशन करना पसंद करते थे। श्री युक्तेश्वर ने उन्हें सांसारिक उद्देश्यों की सेवा करने की इम्पोर्टेंस बताई थी। 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने भारत के सम्माननीय मोनेस्टिक स्वामी ऑर्डर के तहत मॉन्क के रूप में औपचारिक प्रतिज्ञा ली। उस समय उन्हें योगानंदा का टाइटल मिला और जिसका मतलब दिव्य योग के थ्रू मिलने वाला आनंद था। ईश्वर के प्रेम और सोसाइटी की सेवा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की उनकी प्रबल इच्छा इस प्रकार से पूरी हुई। दोस्तों योगानंदा असमान रूप से इस बात को एक्सेप्ट करते थे कि जब शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक तीनों पहलुओं पर बैलेंस्ड फोकस किया जाता है तभी सच्ची और संपूर्ण शिक्षा को हासिल किया जा सकता है, और जब सही और पूर्ण शिक्षा इफेक्ट होती है तो ह्यूमन को यह पता चल सकता है कि जीवन को सही ढंग से कैसे जिया जाना चाहिए। इस बेसिस पर योगानंदा ने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हाउ टू लिव स्कूल का नाम दिया। आइए समझें हाउ टू लिव स्कूल कॉन्सेप्ट क्या था। हाँ दोस्तों आइए समझते हैं हाउ टू लिव स्कूल कॉन्सेप्ट क्या था। योगानंद ने 1917 में लड़कों के लिए हाउ टू लिव स्कूल की स्थापना की। इन स्कूल्स में मॉडर्न एजुकेशन मेथड को योगा ट्रेनिंग और आध्यात्मिक आदर्शों की एजुकेशन के साथ जोड़ा गया था। यह कहा गया था कि योगानंद ने एक अच्छे व्यक्ति के रूप में इस कॉन्सेप्ट को बनाया और यह माना कि एक बैलेंस्ड एजुकेशन आवश्यक रूप से शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक पहलू के लिए समान रूप से काम करती है और बहुत जरूरी है। यह भी माना गया है कि जब इस बैलेंस्ड अप्रोच को व्यवहार में महसूस किया जाता है तभी कहा जा सकता है कि सच्ची शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है। सभी स्कूल में एकेडमिक करिकुलम और स्पिरिचुअल रूटीन, मनोरंजन, खेल, पिकनिक और आसपास के दर्शनीय जगहों पर जाने के साथ बैलेंस्ड बनाए गए थे। जिन सभी लोगों को योगानंदा के कांटेक्ट में आने का अवसर मिला था वह जानते थे कि उनके स्पिरिचुअल आइडियल्स और न्याय के उपदेशों में समझौता नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनका तरीका इतना अट्रैक्टिव था कि उनका दिल इतना प्यारा था कि कोई भी उनके साथ रिजेक्टेड या अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करता था।
उनकी प्यारी मुस्कान हमेशा मौजूद रहती थी और उनके चेहरे की चमक सभी के दिल और दिमाग को पकड़े रहती थी। दूसरी ओर जब योगनंद ने किसी केस की तह तक जाने या इसे इशू बनाने का फैसला किया करते थे तो उनकी समझ की शार्पनेस को कोई अवॉइड नहीं कर सकता था। उनकी टेस्टिंग वास्तव में गंभीर थी। रांची आश्रम स्कूल के नियम और कानून सख्त थे दोस्तों। सुबह 5 बजे उठकर लड़कों को ग्रुप प्रेयर्स के लिए बाहर लाइन बनानी होती थी। नहाने और अपने कमरे की सफाई करने के बाद 6 बजे वह फिर से एक्सरसाइज और मेडिटेशन यानी कि ध्यान के लिए एक साथ मिलते थे। योगानंद जी खुद 12 इयर्स से अधिक उम्र के लड़कों को ध्यान के एडवांस तरीके सिखाते थे। स्टूडेंट्स ग्रामीणों के हाथों से बने साधारण और मोटे कपड़े पहनते थे। कपड़ों को रहने के क्वार्टर्स और आश्रम के मैदान की तरह एकदम साफ रखा जाता था। आज भी भारत में कंडक्ट की गई प्रिंसिपल एजुकेशन एक्टिविटीज में योगानंद जी के तरीकों पर फोकस करना जरूरी है। हालांकि यह मान लेना सही है कि जब इस भारत में स्कूलों ने ऑफिशियल ऑपरेट करना शुरू किया है तब वह वही सिद्धांत चला रहे हैं। हालांकि उनके इंस्ट्रक्शनल मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। परमहंस योगानंदा ने अपने आश्रम स्कूल में बच्चों को सभी धर्मों का सम्मान करने और नैरो माइंडनेस वे इनटॉलरेंस से बचना सिखाया था। उनका मानना था कि भगवान सभी लोगों के मंदिर रूपी शहर में रहते हैं और वो किसी को भी जाति पंथ रंग या नस्ल के कारण किसी दूसरे पर्सन के साथ भेदभाव या उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हालांकि हमें सभी लोगों में भगवान को देखने का प्रयास करके सभी को अपना अच्छा मित्र बनाना चाहिए। योगानंदा ने विदेश में क्या किया आइए जानते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों योगानंदा ने विदेश में क्या किया आइए जानते हैं। योगानंद जी अपनी सौम्य और दयालु टीचिंग अप्रोच के कारण न केवल भारतीयों में बल्कि विदेशों में भी जाने लगे। 1920 में बॉस्टन में हुए धार्मिक नेताओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में योगानंद जी को भारत के प्रतिनिधि के रूप में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्वाइट किया गया था। उस कांग्रेस में द साइंस ऑफ रिलीजन पर दी गई उनकी स्पीच को बहुत प्रेस किया गया था। उसी वर्ष उन्होंने भारत के प्राचीन विज्ञान और योग की फिलॉसफी और इसकी टाइम ऑनर्ड मेडिटेशन की अपनी शिक्षाओं को प्रमोट करने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। अगले कई वर्षों तक उन्होंने इन टॉपिक्स पर लेक्चर्स दिए और ईस्ट कोस्ट पर उन्हें पढ़ाया भी और 1924 में एक क्रॉस कॉन्टिनेंटल स्पीकिंग टूर शुरू किया। अगले साल उन्होंने लॉस एंजलिस में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के एक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर की स्थापना की जो उनके बढ़ते काम का स्पिरिचुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया। अगले दशक में योगानंदा ने यात्रा की और वाइड स्केल पर लेक्चर्स दिए जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल से लेकर लॉस एंजलिस के फिलहारमोनिक तक जैसे अमेरिका के कई सबसे बड़े ऑडिटोरियम्स में हजारों लोगों से बात की। लॉस एंजलिस टाइम्स ने बताया कि फिलहारमोनिक ऑडिटोरियम में ओपनिंग प्रोग्राम से 1 घंटे पहले ही हजारों लोग एक असाधारण प्रेजेंटेशन को देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। यह खबर भगवान के साथ अटूट कनेक्शन के हाईएस्ट लेवल को दर्शाती थी। हालांकि योगानंद हिंदू थे लेकिन वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने अक्सर ईसा मसीह की शिक्षाओं को शेयर किया और कई अन्य धार्मिक हस्तियों के कथन को यूज किया। धर्म को पार करने की उनकी क्षमता ने कई भक्तों को अट्रैक्ट किया और जनता के बीच उनको सम्मान दिलवाया। जीवन का लक्ष्य। हाँ दोस्तों जीवन का लक्ष्य आइए इसको समझते हैं। योगानंदा की टीचिंग में समझाया गया है कि हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है। इसे पता लगाने के लिए अलग अलग अप्रोचेस हैं, लेकिन जब बात सिर्फ एक गोल को बनाने की आती है तो बिना किसी डाउट के यह गोल निश्चित रूप से लिबरेशन या मुक्ति का होता है। यही प्राइमरी गोल है दोस्तों और इसके साथ ही कई डिस्कशन शुरू होते हैं। मुक्ति के कॉन्सेप्ट को अक्सर गलत समझा जाता है। नतीजतन यह सब्जेक्ट स्पेकुलेटिव एंटरप्राइज या फंडामेंटलिस्ट सोच के लिए अक्सर एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है। फिर भी दुनिया के प्रमुख धर्मों की रहस्यमय परंपरा में यह सेंट्रल फैक्टर है। निसंदेह जीवन के दो गोल सफलता और सेल्फ एनालिसिस होते हैं जो लॉजिकली मुक्ति के अधीन है फिर भी इसके लिए जरूरी है। योगानंद जी के अकॉर्डिंग सफलता को केवल धन पोजीशन फार और इस तरीके के किसी रूप में डिफाइन नहीं किया गया है। यह मानवीय सरोकारों के डीपर क्षेत्रों में पहुंचता है।
एक उदाहरण के रूप में वो सफलता को इंटरनल पीस और मेंटल कंट्रोल के पार्ट के रूप में डिफाइन करते हैं। योगानंद जी की फिलॉसफी में सभी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रयासों में सफलता एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। वास्तव में सफलता कैसे मापी जाती है दोस्तों, और असली सफलता के स्टैंडर्ड्स को उनकी एडुकेशन की फिलॉसफी में क्लियर रूप से योगदान के लिए देखा जाएगा। योगानंद जी की टीचिंग एक और महत्वपूर्ण गोल सेल्फ एनालिसिस या आत्मविश्लेषण है। वैदिक फिलॉसफी में स्वतंत्र इच्छा के कॉन्सेप्ट को फॉर्मली बरकरार रखा गया है, लेकिन ज्यादातर लोगों की आदतों, इच्छाओं और मजबूरियों की प्रबल फाड़ के कारण इसे बहुत हद तक एक्सेप्ट किया जाता है। योगानंद जी ने कहा है कि मनुष्य कठपुतली की तरह है, इसकी आदतों, भावनाओं, फैशन और इंद्रियों के तार उसे उनके अकॉर्डिंग डांस करवाते हैं। वे उनकी आत्मा को बांध देते हैं। प्रभावी रूप से दावा करने के लिए और मुक्त होने के लिए इन बंधनों से मनुष्य को मुक्त होना अति आवश्यक है। इस प्रकार सेल्फ एनालिसिस एक्शन लेने और चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता की कुंजी बन जाता है। योगानंद जी ने अपनी लाइफ स्टोरी को 1946 में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के नाम से पब्लिश करवाया था और इसके बाद के एडिशंस में यह और एक्सपैंड हुई। यह एक बड़ी बेस्ट सेलर किताब साबित हुई और तब से आज तक इसको लगातार पब्लिश किया जा रहा है। इसको अब तक 18 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। इसे विश्व भर में मॉडर्न स्पिरिचुअल क्लासिक के रूप में माना जाता है। महासमाधि, हाँ दोस्तों, महासमाधि। 7 मार्च 1952 को परमहंस योगानंद जी ने महासमाधि में प्रवेश किया, जिसे भगवान के ध्यान को करते हुए कॉन्शियसली शरीर को छोड़ने को कहा जाता है। फिजिकल डेथ माना जाता है, स्पिरिचुअल नहीं। उनकी मृत्यु को एक असाधारण घटना के रूप में मार्क किया गया था। फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क के निदेशक द्वारा साइन किए गए एक नोटराइज स्टेटमेंट में बताया गया था कि मृत्यु के 20 दिन बाद भी उनके शरीर में कोई भी शारीरिक बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉडी को अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया गया हो। योगानंद जी का शरीर स्पष्ट रूप से अभूतपूर्व कंडीशन में था। योगानंद जी ने न सिर्फ भारत मगर पूरे वर्ल्ड में योगा की इंपॉर्टेंस को स्प्रेड किया था। उनके शब्द वास्तव में सच्ची विजडम के सार थे। वो कहा करते थे कि हमें अपनी इंटीग्रिटी को हाईएस्ट लेवल पर बनाए रखना चाहिए, हमें सच बोलना और उसे अपने बिहेवियर में दिखाना चाहिए। शानदार चीजों को पूरा करने के लिए उन्होंने खुद को एक बेहतरीन पर्सनैलिटी के रूप में एस्टैब्लिश किया था। तो दोस्तों, इस समरी में हमने सीखा कि एक सच्चे व्यक्ति के लिए बैलेंस्ड एडुकेशन जरूरी है और इसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं का समान रूप से इसमें शामिल होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, आज भी भारत में कंडक्ट की गई प्रिंसिपल एडुकेशन एक्टिविटीज में योगानंद जी के तरीकों पर फोकस करना जरूरी हो जाता है। तीसरा पॉइंट, परमहंस योगानंद जी ने अपने आश्रम स्कूल में बच्चों को सभी धर्मों का सम्मान करने और नैरो माइंडनेस व इनटॉलरेंस से बचना सिखाया था। उनका मानना था कि किसी को भी जाति, रंग, पंथ या नस्ल के कारण किसी दूसरे पर्सन के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट, हमारे जीवन के लक्ष्य को पता लगाने के लिए अलग अलग अप्रोचेस हैं, लेकिन जब बात सिर्फ एक गोल को बनाने की आती है तो बिना किसी डाउट के यह गोल निश्चित रूप से लिबरेशन या मुक्ति होता है। तो दोस्तों, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि योगानंद की फिलॉसफी और लगातार प्राचीन वैदिक परंपराओं की टीचिंग देने का कमिटमेंट उनकी असाधारण पर्सनालिटी को प्रेजेंट करता है। एक छोटी सी पुस्तक में समझाए गए कार्डिनल डॉक्ट्रिनल एलिमेंट्स इस फैक्ट को प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये बेस्ट सेलिंग किताब की बुक समरी पसंद आई होगी। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान एनजीओ चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं। दोस्तों, हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। हम इन समरीज के साथ एक्शन टिप्स भी अपने ऐप पर जल्द ही लॉन्च कर रहे हैं।
वो एक्शंस आपको क्लियरली बताएंगे कि इन बुक्स को आप अपनी लाइफ में कैसे लगा सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप अच्छी हैबिट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी लर्निंग को एक्शन में बदलने के लिए, आपकी मदद करने के लिए हम वेबिनार्स और ऑनलाइन प्रोग्राम्स की एक सीरीज हर वीक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप इन वेबिनार्स और ऑनलाइन प्रोग्राम्स को नॉमिनल पेमेंट्स करके दुनिया के किसी भी कोने से ज्वाइन कर सकते हैं। आदि गुरुदास और लाइव शिक्षा डालकर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे पेजेस को लाइक कर सकते हैं, आपको रेगुलर इसकी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग, एनएलपी, इंटरनेशनल कोचिंग टेक्निक जैसे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक्स को डिटेल में सीखकर अपने गोल्स को और तेजी से हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से भरी वर्कशॉप्स को भी अटेंड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप इन प्रोग्राम्स की अधिक जानकारी लेकर इनको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ मिलकर इन वर्कशॉप्स को अपनी कंपनी या शहर में कराना चाहते हैं, आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो अपनी रिक्वेस्ट हमें thelifeshiksha@gmail.com पे या info@adigurudas.com पे अवश्य भेजें। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं, तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं। दोस्तों, वन ऑन वन कोचिंग सेशन लेके कुछ समय के लिए अधिक से अधिक लोगों की मदद करने के लिए मैं अपने सेशन को कुछ समय के लिए 75% से 50% डिस्काउंट पे दे रहा हूं। दोस्तों, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग फेस टू फेस वन ऑन वन कोचिंग सेशन लेकर मुझसे अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस कर पाए। तो दोस्तों, यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जैक्टिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024022331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। दोस्तों, हमसे और हमारे प्रयासों से जुड़े रहने के लिए हमारे उड़ान एनजीओ यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। दोस्तों, हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।